पाकिस्तान आर्म्ड फैक्ट्रीज ने अपनी BW20 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्चिंग WDS एग्जीबिशन के अंदर की है। ये बेसिकली पाकिस्तान आर्म्ड फैक्ट्रीज की अपनी एक डिज़ाइन नई सीरीज ऑफ वेपन्स है जो 7.62-51 के अंदर चेम्बर्ड है। इनिशियली इसके 7.62-39 और 5.56 वेरिएंट्स भी हम लॉन्च करेंगे। ये तीन वर्जन्स के अंदर हम इन 7.62-51 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड 16 इंच स्टैंडर्ड राइफल है, इसमें 12 इंच असॉल्टर राइफल है और 20 इंच मैच ग्रेड मार्क्समैन राइफल के वर्जन्स भी है। इस राइफल के की फीचर्स ये है कि लाइट वेट है, इसकी एक्यूरेसी रेंज पेनिट्रेशन वही है जो पाकिस्तान आर्मी के GSR की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप एक एडजस्टेबल स्टॉक है, ऑप्टिक्स के लिए, एक्सेसरीज के लिए पिकेटनी रेल्स है और तीसरा इसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जो 7.62-51 का रिकॉयल कम करती है। बाकी इसकी जो हमारी ट्रेडिशनल एक्यूरेसी और रेंज पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी वो ये रिटेन रखती है और इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रेट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होगा G3 से। नॉर्मली G3 को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी अरसे से एक राइफ़ल की तलाश में है। अगर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे आए इंडक्शन एक नई राइफ़ल के, तो हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये तकरीबन उससे बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग में ला सकते हैं, जिसकी वजह से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और हमारी अपनी एक राइफ़ल होगी। इसके अलावा ये राइफ़ल के सेल्स के राइट्स और इसके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के राइट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। तो ना सिर्फ बग़ैर TOT के हमने अपनी एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस करा लेंगे, लेकिन इस राइफ़ल को और इसकी टेक्नोलॉजी को भी हम सारी दुनिया में देख सकेंगे।